आज यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में भारतीय जनसंघ की संस्थापक सदस्य स्वर्गीय बलराज मधोक जी की पुण्य स्मृति में जिज्ञासा समूह द्वारा सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और वक्ता के रूप में पूर्व शिक्षा मंत्री श्री मुरली मनोहर जोशी ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। ध्यान देने योग्य है कि जिज्ञासा बुद्धिजीवियों का एक ऐसा समूह है जिसमें समाज के अधिकांश क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिष्ठित लोग हैं जो निरंतर सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, पर्यावरण तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जिज्ञासा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से तथा कोरोना के दौरान आभासी माध्यम से सैकड़ों चर्चाओं का आयोजन किया गया। जिज्ञासा के मुख्य संरक्षक श्री राजकुमार भाटिया जी, जो कि शिक्षाविद एवं सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बताया कि जिज्ञासा का उद्देश्य महत्वपूर्ण विषयों पर समाज में सार्थक विमर्श खड़ा करना है। डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी ने कहा कि बलराम जी की स्मृति में कार्यक्रम एक रेखांकनीय घटना है। बलराम जी की बड़ी बेटी ने कार्यक्रम में कहा कि देश का भला चाहते हो तो देशभक्तों को पूजो। इस दृष्टि से बलराम जी की भारतीय राजनीति में योगदान का मूल्यांकन अभी होना है। मुझे विश्वास है कि भविष्य में उनके द्वारा किए गए कार्यों के महत्व को समझा जाएगा। सुशील पंडित, जो कश्मीरी मामलों के जानकार हैं, उन्होंने कहा कि बलराम जी के विचारों पर चिंतन हो, ये आज के समय की आवश्यकता है। अपने उद्बोधन में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने बलराज मधोक को याद करते हुए अपने संस्मरण साझा किए। जिज्ञासा ने ये आरंभ किया है, इसके लिए राजकुमार भाटिया जी एवं जिज्ञासा समूह बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि यदि विचार बना रहेगा तो उसका समय अवश्य आएगा। कार्यक्रम में पूर्व राज्यसभा सांसद श्री बलवीर पुंज, श्री सतीश मिनोचा, श्री देवरत्न शर्मा, श्री आशुतोष अग्रवाल जी तथा डॉक्टर महेश कौशिक आदि सैकड़ों शिक्षाविद एवं सामाजिक कार्यकर्ता एवं अनेकों वो लोग भी शामिल हुए जिन्होंने बलराज मधोक जी के साथ कार्य किया था। दिल्ली से चंद्रकांत सिंह पुजारी की ये रिपोर्ट। खबर सबकी, सीधे आप तक।